तो इस क्वेश्चन में 8% सल्फर बाय मास दे रखा है अपने को, तो हम कह सकते हैं कि अगर जो है वो सल्फर 8 मास यूनिट है तो जो है वो कंपाउंड कितने का होगा, 100 का। तो 1 का हुआ तो कंपाउंड हो गया हमारा यूनिटरी मेथड से 100 बाय 8 मास यूनिट का। अब मिनिमम वर्ड्स यहां आ रहा है, लीस्ट आ रहा है, तो 1 सल्फर एटम तो होना ही चाहिए। तो ये हो गया 100 बाय 8 इनटू 32, तो ये 400 आ गया। ऑल्टरनेटिवली मेथड 2 में आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एम मिनिमम लिया अपन ने, और इसका अगर मैं 8% लूं तो कम से कम 1 सल्फर तो आना ही चाहिए, जो रिलेटिव एटॉमिक मास सल्फर का कितना होता है, 32। तो यहां से अगेन सॉल्व करें तो अगेन एम मिनिमम दिख रहा है कि ये 400 आ रहा है। दिस इज द आंसर।